अच्छा मशवरे दे सकते हैं, कीमतें कम नहीं कर सकते, वो तो लोगों को भी पता है इस्तेमाल होता है, हम भी उनको मशवरा देते हैं कि ये तेल से चलती हैं, ये बहुत खर्चा होता है, आप साइकिल पे निकल के जो है ना अपनी कंपेन किया करें। अब आप लोग भी देख रहे हैं टीवी में, अब नहीं उनको वो तकलीफ, अब नहीं दो आदमी पकड़ के लेके जाते मियां साहब को आगे पीछे, अब खुद ही वो चल रहे हैं। इधर जब जा रहे थे कि भाई आगे गले कोई ना मिले जी, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, उधर से उतरते सार सबको गले मिल रहे हैं, उधर बीमारी खत्म हो गया जाके। ये इन्होंने अभी थोड़ी देर, ये दो तीन दिन हुआ है सोशल मीडिया पे, इन्होंने कहा जी ये तजारती हसाड़ा जो है ये हमने कम कर दिया है, ये भी सब फ्रॉड है, जो झूठ है ये, इन्होंने इम्पोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाई है, अगर तो इम्पोर्ट जो कम किए हैं उससे भी बेरोजगारी बढ़ी है, ये भी एक धोखा दे रहे हैं वहाँ, और कुछ भी नहीं है। इधर कभी पाँव रखने को जगह नहीं थी होती, इतना रश होता था, अब इधर से गोली मारे किसी को नहीं लगती तहसील बाजार तक भी। हुकूमत कहती है कि हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने के इकदाम कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि नए इंतखाबात कराए जाए तो मुल्क खुद बेहतर हो जाएगा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क बेहतर होना चाहिए जिस तरह मर्जी हो, बेशक वोटिंग की तरफ से हो जाए, बेशक किसी तरह हो, गरीबी खत्म होनी चाहिए कि जो गुर्बत आगे से भी ज़्यादा हो गई है, एक टाइम का खाते हैं दो टाइम का नहीं खाते, इस तरह का टाइम आ गया हुआ है। अब तो जो आटा हम लेते होते थे तोड़ा 400 रुपए का, अब वो 750 रुपए का है, गरीब आदमी आटा ले चीनी ले के नमक ले वो तो सोच ही पड़ा रहता है कि एक दिन आटे का रख ले हुए अपने दिमाग में एक दिन के भाई आज आए ले के जाएंगे, आज चीनी ले जाएंगे, आज ऐसे कर लेंगे, यही काम चल रहा है, पीछे वो कहना कि कोई 2 रुपये भी बचते हों तो झूठ है, आगे ये होता था कि 10, 20, 50, 100 बच जाता था, अब जाते वक्त किसी ना किसी दुकानदार से 10, 20, 50 मांग के लेके जाने पड़ते हैं कि यार काम में काम नहीं हुआ बाजार में, आपको कल दे देंगे, अब ये टाइम आ गया हम पे। लेकिन हुकूमत कहती है कि महंगाई खुद बहुत कम हो जाएगी, वो कैसे खुद बहुत कम होगी, हमें समझ नहीं आ रही, टमाटर 400 रुपये किलो बिक रहे हैं, वो कह रहे हैं 17 रुपये किलो, पूरा पाकिस्तान घूमा या 17 रुपये किलो, वो कहते हैं टमाटर नहीं है तो आप दही इस्तेमाल करें। अच्छा मशवरे दे सकते हैं, कीमतें कम नहीं कर सकते, वो तो लोगों को भी पता है दही इस्तेमाल होता है, उनको कहें ना आप गाड़ियां ना इस्तेमाल करें, साइकिलों पे निकल जाएं, निकलेगी हुकूमत कभी भी नहीं निकलेगी, वो कहेगी कि नहीं हमारे आगे भी गाड़ी हो पीछे भी गाड़ी हो, हम भी उनको मशवरा देते हैं कि ये तेल से चलती हैं, ये बहुत खर्चा होता है, आप साइकिल पे निकल के जो है ना अपनी कंपेन किया करें, क्यों गाड़ियों पे करते हैं? अपोजिशन का कहना है कि ये हुकूमत सबको चोर कहती है लेकिन खुद चोर है, जबकि इमरान खान कहते हैं कि हमारा दामन साफ है, आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? हमें तो अभी तक यही खिला रहे हैं जी, वो चोर है वो चोर है वो चोर है वो चोर है, कि मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, ये होगा वो होगा, पैसा मुल्क में आएगा ये होगा वो, देख लें नवाज शरीफ भी चला गया, अनकरीब आप लोग देखेंगे कि जरदारी भी चला गया, हमको इन्होंने खिलाते रहना सिर्फ कि हम इस तरह इनसे हिसाब ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब जो है ना कि एक फिल्म चला रहे हैं हमारे साथ। लेकिन वो तो अपनी सेहत की वजह से गए हैं। सेहत की वजह ठीक है, इधर से इधर उनसे बात चला नहीं था जा रहा, जब जहाज की सीढ़ियाँ चढ़े हैं, अब आप लोग भी देख रहे हैं टीवी में, अब नहीं उनको वो तकलीफ, अब नहीं दो आदमी पकड़ के लेके जाते मियां साहब को आगे पीछे, अब खुद ही वो चल रहे हैं, इधर जब जा रहे थे कि भाई आगे गले कोई ना मिले जी, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, उधर से उतरते सार सबको गले मिल रहे हैं, उधर बीमारी खत्म हो गया जाके। आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं आप इस बारे में, क्यों ये सब किया गया, क्यों उनको भेजा गया? इसका एक ही हल बहना हो सकता है कि गरीब तो वैसे तो मार रहा है, इनको चाहिए हुकूमत को यहाँ तो गरीब को कुछ ना कुछ कोई हेल्प की जाए, नहीं कर सकते तो फिर जहर ही है जो लोग कर रहे हैं, कि भूख के वजह से बच्चों को जहर मिला के दे दिया, या आए दिन आप भी देखते हैं कि किसी ने भूख की वजह से बच्चे काट दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ये हुकूमत को चाहिए सोचना कि हम भी किसी गरीब का सोचें। लेकिन वो क्या हुकूमत तो कह रही है हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ जी बहुत बेहतर हो गए, ये देख नहीं रहे, इतनी बेहतरी कभी नहीं थी हमने देखी जितनी अब देख रहे हैं, इधर कभी पाँव रखने को जगह नहीं थी होती, इतना रश होता था, अब इधर से गोली मारे किसी को नहीं लगती तहसील बाजार तक भी, तो कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग? बस महंगाई का आपको इशू है और कोई इशू नहीं? महंगाई हर चीज़ में इशू है, कि कौन सी चीज़ है जो आज से 1.5 साल पहले जो हर चीज़ जो स्टेबल थी वो अनस्टेबल है इस वक्त, कोई भी चीज़
हर आवाम जो है ना, आप सोशल मीडिया पे देख ले, आवाम जो है ना वो तड़प रही है महंगाई की वजह से। सबसे मेन जो इश्यू है वो तो महंगाई है, और बाकी इसके अलावा कर्जे पहले की उनते भी लेती थी, ये भी ले रही है। इन्होंने कौन सा आगे जो कर्जे नहीं लिए, ये तो इन्होंने जो ये कहा था ना कि हम कर्जे नहीं लेंगे, ठीक है, हर चीज़ उन्होंने की है। पहली हुकूमत ने नवाज हुकूमत का अगर कंपेयर करें ना आप इनके साथ, उन्होंने कर्जे लेके फिर भी आपको कुछ करके दिखाया, तो इन्होंने क्या किया है? नवाज हुकूमत ने 10,500 कर्जा लिया था, उन्होंने आपको मोटरवे बना के दिया है, 7,500 किलोमीटर रोड बना के दिया, बिजली बना के दी है 11,000 मेगावाट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7,500 कर्जा ले लिया अभी तक एक साल में। वो कहते हैं कुछ भी नहीं किया, ये कर्जा हमने पिछली हुकूमत के कर्जे वापस करने के लिए लिया है। वो पिछली हुकूमत नहीं उतार रही थी कर्जे, उन्होंने भी उतारे हैं और काम भी किए हैं। तो इन्होंने क्या किया, अगर कर्जे उतारे हैं तो काम क्या किया, मैं तो ये देखना काम क्या किया, इन्होंने किया कुछ भी नहीं है, कर्जे जरूर लिए हैं। पिछली हुकूमत भी कर्जे उतार रही थी, ये इन्होंने नहीं हाल ही उतारे, लेकिन उन्होंने कर्जा लिया है और सारा काम भी किया है, इन्होंने किया का कुछ भी नहीं है और कर्जा ले लिया ऊपर। वो तो कहते हैं कि हम मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, आपके सामने ये मईशत बेहतरी की तरफ अगर जाती है तो नजर आता है, हर चीज़ में आपको नजर आती है, अगर मईशत बेहतरी की तरफ जाती हो ना तो नजर आता है, आवाम को भी नजर आता है, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये इन्होंने अभी थोड़ी देर, ये 2-3 दिन हुआ है सोशल मीडिया पर इन्होंने कहा जी ये तजारती हसाड़ा जो है ये हमने कम कर दिया है, ये भी सब फ्रॉड है, जो झूठ है ये। इन्होंने इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाई है, अगर तो इंपोर्ट जो कम किए हैं उससे भी बेरोजगारी बढ़ी है, ये भी एक धोखा दे रहे हैं आवाम को और कुछ भी नहीं है ये। हम भी सारा खबरें देखते हैं, हमें भी सारा जो है ना आइडिया है कि ये क्या कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में, महंगाई के बारे में? मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में जितनी महंगाई एक साल सवा साल में देखी है ना, अपनी पूरी लाइफ में इतनी महंगाई नहीं देखी। मैं आप खुद देख लें कि हमारी जो करेंसी है वो 35% जो है ना वो डिवैल्यू हुई है, महंगाई भी उसी शरह से जो है ना बढ़ी है। आज तक एक साल में इतनी तेज़ी से महंगाई नहीं बढ़ी जितनी इस सवा साल में बढ़ी है, जितनी देर इस हुकूमत को आया है ना वो है ना 35% जितनी हमारी करेंसी डाउन हुई है ना उससे ज़्यादा ही महंगाई हुई है। हर चीज़ जो है ना कोई 40% डाउन अप हो गई है, कोई 50% हो गई है। वो कहते हैं महंगाई कम हो जाएगी खुद बहुत, कम कभी भी नहीं हो सकती, जो चीज़ एक ऊपर बढ़ जाती है ना वो नीचे कभी भी नहीं आ सकती, ये तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ये सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं ये सिर्फ आवाम को झूठी तसल्लियाँ और कुछ भी नहीं है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि उन्होंने दिसंबर तक का वक्त मांगा था, अगर अब भी उनकी बात ना मानी गई तो दोबारा मैदान में आएंगे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो जितनी दफ़ा मर्जी मैदान में आए, पहले भी आके उन्होंने देख लिया, ठीक है जी, ये ए पॉइंट है, अब बी की तरफ चलेंगे, अब वो कह रहे हैं सी की तरफ, इन्होंने ऐसे जो है ना आपस के अंदर ये सब एक ही हैं, ये हम लोगों को इन्होंने पागल किया हुआ है आवाम को, बस तो वो जो धरने वगैरह करवा रहे हैं किस वजह से करवा रहे हैं कि कश्मीर की तरफ से आवाम का ध्यान हटे, पहले तो अपने कश्मीरी भाइयों को हम देखें ना जिनका हक है। थैंक यू। आप क्या कहते हैं? ये भाई है बात ठीक है। आपका क्या व्यूज है, आप भी बताएं अपने। बड़ा महंगाई बहुत है, मराहन को बोले महंगाई बहुत है, कम करे बस। वो कहते हैं महंगाई खुद कम हो जाएगी, वो दमाद कर रहे हैं। कैसे बेटा कम होगी महंगाई, महंगाई नहीं कम हो सकती, सब डाकू चोर बैठे हुए हैं, बराना के साथ सब डाकू चोर हैं, महंगाई कम नहीं हो सकती। तो कहना है कि हुकूमत मुल्क को तबाह कर रही है, आप क्या कहते हैं? मैंने क्या कहना है, बस एक ही बात कहूँगा कि महंगाई के जो महंगाई है ना इस पर कंट्रोल करें, बाकी मामला तो हैं वो जो हैं, लेकिन जो महंगाई है ना उससे आवाम को जो है ना बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई पे कंट्रोल करें, बाकी सब कुछ ठीक है, बस महंगाई ज़्यादा लग रही है आपको। हाँ महंगाई जो है ना वो ज़्यादा जो है ना लोगों के लिए वो दुश्वारियाँ पैदा कर रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि एक दिसंबर तक का वक्त मांगा था, आप भी अगर उन्होंने बात ना मानी तो फिर दोबारा सर को प्रिंक लेंगे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मौलाना फजल रहमान को छोड़ें, ये अपने सारी सियासी बातें हैं, ये कुछ भी नहीं करने वाले, ये सिर्फ बातें हैं, बस जो मेन पॉइंट्स हैं वो उनमें एक मेन पॉइंट ये है कि बस महंगाई जो है ना ये आवाम को जो है ना खाई जा रही है, इस पर कंट्रोल कर। हुकूमत कहते हैं कि हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि
नए इंतखाबात कराए जाएं, आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं सर? हम तो कह रहे हैं को टाइम इसको मिलेगा तो करेगा ना, इसको टाइम मिलना चाहिए भाई, जो इसको टाइम मिलेगा उसके मुताबिक होगा ना, सारे काम इतनी जल्दी नहीं हो जाते, बड़े लंबे काम हुकूमत के होते हैं, तो टाइम मिलेगा तो करेंगे। लेकिन अपोजिशन कहती है 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, अभी तक कुछ महंगाई में फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ खराब कर रहे हैं। नहीं, 1.5 साल में अभी वो सीधा पदर ही कर रहे हैं ना, जब हम दुकान डालते हैं उसको फिर बनाते हैं फिर तो ये फिर कारोबार करते हैं, तो टाइम लग जाता है, टाइम तो लगता है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग कहते हैं कि जब तक, वाकई बढ़ रही है, लेकिन वज़ीरे आज़म भी कहता है महंगाई है, वो भी कहता है महंगाई है, लेकिन वो कहता है वो ख़त्म हो गया आस्ता तो ख़त्म हो जाएगी, जब इनके मसले हल हो जाएंगे सही तो फिर आस्ता से हो जाएगी ख़त्म। तो क्या आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? नहीं, हम तो मुतमईन हैं, हमें तो कोई मसले। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अगर इन्होंने अब बात ना मानी, इन्होंने कुछ वक्त लिया था हुकूमत ने, अगर आप भी बात ना मानी तो दोबारा मैदान में आएंगे हम, आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, वो तो बात ये कि अपोजिशन में है, वो तो जो भी कह सकते हैं उनकी मर्जी है, वो कहेंगे तो अपोजिशन में जो है, ताकि भी उन्होंने धरना दिया अब भी वो दे लेंगे, उनकी मर्जी है, वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि इस हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया, अगर ये मजीद रहे तो मुल्क और तबाही की तरफ जाएगा। वो तो यही कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन हमारे ख्याल से कोई ऐसा काम तो नहीं नज़र आ रहा, ना इमरान हक को करप्ट करप्ट तो नहीं है, बाकी है कि टाइम लग जाता है। अपोजिशन जो होगी उन्हें तो यही कहना है ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, हुकूमत गलत है, उसने तो यही कहना है। आप पिछली मतलब जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो भी बिल्कुल ठीक करते थे, वो जब करते थे वो भी ठीक, जो बात थी वो ही करते थे भाई, ये ऐसे है ऐसे है, फिर अदालतों ने भी वही किया।